दोस्तों, अगर आपने इन स्वास्थ्यवर्धक दोहों को पढ़ या सुनकर अमल कर लिया तो यकीन मानिए आप जीवन में कभी बीमार नहीं पड़ेंगे और रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके शरीर में सदैव बनी रहेगी। तो शुरू करते हैं इन दोहों को। पर दोहे शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। अब शुरू करते हैं। पहला स्थान सेंधा नमक, पहाड़ी नमक सुजान, श्वेत नमक है सागरी, यह है जहर समान। रक्तचाप बढ़ने लगे तब मत सोचो भाई, सुगंध राम की खाई के तुरंत छोड़ दो चाय। एल्यूमिनियम के पात्र का करता है जो उपयोग, आमंत्रित करता सदा वह 48 रोग। चोकर खाने से सदा बढ़ती तन की शक्ति, गेहूँ मोटा पीसिए दिल में बड़े विरक्ति। पानी में गुड़ डालिए वो बीत जाए जब रात, सुबह छान कर पीजिए अच्छे हो हालात। गर्म जल से कभी करिए मत स्नान, घट जाता है आत्मबल नैनन को नुकसान। भोजन करके सौंप गुड़ अजवान, पत्थर भी पच जाएगा जाने सकल महान जहान। ठंडा पानी पियो मत करता कूर प्रहार, करे हाजमे का सदा ये तो बंटाधार। प्रातः दोपहर लीजिए जब नियमित आहार, 30 मिनट की नींद लो रोग ना आए द्वार। तुलसी का पत्ता करे यदि हरदम उपयोग, मिट जाते हर उम्र में तन में सारे रोग। भोजन करके रात में घूमे कदम हजार, डॉक्टर ओझा वेद का लुट जाए व्यापार। घूट घूट पानी पियो रहे तनाव से दूर, एसिडिटी या मोटापा होवे चकनाचूर। फलिया मीठा खाई के तुरंत न पीजे नीर, ये सब छोटी आंत में बनते विषधर तीर। भोजन करे धरती पर अलती पलती मार, चबा चबा कर खाइए वेद न झांके द्वार। प्रातः काल पानी पिए घूट घूट कर आप, बस 2-3 गिलास है हर औषधि का बाप। प्रातः काल फल रस लो दोपहर लस्सी छाछ, सदा रात में दूध पी सभी रोग का नाश। ऊर्जा मिलती है बहुत पिए गुनगुना नीर, कब्ज खत्म हो पेट की मिट जाए हर पीर।